नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। खबर जनपद गोवर्धन से आ रही है, जहाँ पर पुलिस कार्य प्रणाली को लेकर पूरे क्षेत्र में शेष व्यवस्था की गई। दरअसल आपको बताया चले, ये पूरा मामला जनपद गोवर्धन का बताया जा रहा है। मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन का है, जहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है। दरअसल मामले शुरू हुए है कि परचून व्यापारी विष्णु अग्रवाल, जिसको विगत पुलिस पिछले दिनों किसी बिस्मिल्लाह कसाई के नाम से धमकी भरा पत्र उनके घर के दरवाजे पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रखा गया, जिसकी वीडियो में दिखाई देने के आधार पर पुलिस के द्वारा एक मुकदमा धारा 506-384 में दर्ज किया गया, जिसमें शक के आधार पर राम शर्मा सन ऑफ राजकुमार शर्मा को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। इसी को लेकर ब्राह्मण महासंघ के द्वारा इस कार्रवाई का पूर्णतः विरोध किया गया। तम लाला व्यास, लाला जी, आज यहाँ पे आप इकट्ठे हो और आप यहाँ नारेबाजी कर रहे हो, किस मुद्दे को लेकर, क्या कर रहे हो? हमारे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारी, जो हमारे महानगर में पदाधिकारी हैं, उनका जो है उनके ऊपर गलत झूठा मुकदमा लगा करके और उनको जेल भेज दिया गया है। इसके विरोध में हम सभी इकट्ठे हैं और हम सभी इसे सहन नहीं करेंगे, हम सभी आंदोलन करेंगे। इस पर झूठा मुकदमा लगाया है, क्यों लगाया है? हमारे राम पंडित राहुल मोहन शर्मा, जिनका नाम है, उन पर लगाया गया है झूठा मुकदमा, जो कि बाजार में किसी व्यक्ति को कोई चौथ वसूली का कोई मामला था, उसको हमारे राम पंडित जी को उसमें फंसाया गया है, जो कि बिल्कुल बेकसूर हैं। तो आप किसी अधिकारी से ऊपर मिले हैं या क्या? हम सभी से मिल चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई भी हमको संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है। आगे क्या कदम होगा? आगे हम सभी पदाधिकारी अपने आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द हम राष्ट्रीय लेवल पर कार्य करेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन